ये जो नर्सरी आज मैं शेयर करूँगी, देखने में तो बहुत आम है, लेकिन जो जाते होंगे उनको पता होगा कि ये कितनी खास नर्सरी है। और ये धतूरा जो देख रहे हैं, काला धतूरा, ब्लैक धतूरा बोलते हैं, जो कि भगवान शिव का बहुत ही प्रिय पुष्प है। और ये ऐसे ही नर्सरी के साइड में ग्रो हो रखा। और ये भांग है, जो कि ये भी भगवान शिव को बहुत प्यारा है। तो ये जितने भी पौधे हैं, बहुत शुभ पौधे होते हैं, भगवान शिव को बहुत प्यारा होता है। तो आज मैं आप लोगों से शर्मा नर्सरी शेयर करूंगी। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम शर्मा नर्सरी शेयर कीजिएगा, कौन कौन से प्लांट आए हुए हैं। तो जो हम गार्डनिंग करते हैं, तो हम वैसे प्लांट ढूंढते हैं जो कि सस्ते हो, परमानेंट हो, और जो नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा रहे। नॉर्मल गार्डन सॉइल मतलब जो कि लाल मिट्टी में ना हो, और हम अपने गार्डन में ले जाएं, पॉट में जब लगाएं तो हमारे गार्डन में रच बस जाए। तो शर्मा नर्सरी में ऐसे ही प्लांट मिलते हैं। और बहुत दिनों से तोड़ फोड़ के कारण इनके यहाँ प्लांट ये ग्रो नहीं किए हुए हैं, तो ये भी बाहर से ही लेके आ रहे हैं और कुछ प्लांट ग्रो किए हुए हैं। तो मैं बहुत दिनों से तोड़ फोड़ हो रहा था, तो मैं शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि इनके यहाँ पे कुछ प्लांट दिख नहीं रहा था। तो बहुत दिनों बाद मुझे परमानेंट प्लांट दिखे, और कुछ ऐसे प्लांट दिखे जो कि और किसी नर्सरी में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। और इनके यहाँ जो प्राइस की स्टार्टिंग है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, बस इससे ज़्यादा आपको परमानेंट प्लांट, खूबसूरत प्लांट ज़्यादा दामों में नहीं मिलेंगे। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, जो जाते हैं उनके लिए तो ये खास नर्सरी है ये। और यहाँ से हमेशा रिक्वेस्ट आता ही रहता है कि मैम यहाँ के प्लांट ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बहुत दिनों बाद मैं शर्मा नर्सरी लेके आई हुई हूँ, बहुत खूबसूरत परमानेंट और शुभ प्लांट का कलेक्शन है। तो आइए देखिए कौन कौन से वो प्लांट इनके यहाँ हैं। ये नर्सरी पुस्ता रोड वाली साइड में है, मैं लास्ट में इसके पूरे डिटेल से एड्रेस दे दूंगी। और देखिए ये अम्ब्रेला पाम है, जो कि काफ़ी खूबसूरत पाम होता है, और कहा जाए तो इजी टू ग्रो, सस्ता, और ना इसे खाद की ज़रूरत है, ना इसे ज़्यादा देखभाल की, और बहुत मल्टीप्लाई होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। रूम में भी ये महीनों महीनों पानी में रख सकते हैं इसे, ये मात्र आप यहाँ से 30 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। और ये देसी रोज है, देसी रोज आप यहाँ से 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। मैं एक बार इसकी ग्रोथ दिखा देती हूँ कितनी बड़ी है तो छोटी छोटी कटिंग से लगा हुआ, लेकिन ये देसी रोज है तो बहुत तेज़ी से फैलता है, और इस टाइम तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरह से होती है। और देखिए कुछ में तो कलियाँ भी आने लगी है, कुछ में फूल भी खिलने लगे हैं। तो देसी रोज की खासियत होती है कि ईजी टू ग्रो होता है, खुशबू भी बहुत होता है, और कटिंग से बहुत इजी से लग भी जाता है। और इनके यहाँ कुछ करी पत्ता है जो कि आप 30 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। और चूंकि ये बाहर से ख़रीद के लेके आए हुए हैं, तो बाहर से लेके आने में इनका थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो 30 रुपीज़ में करी पत्ता आप ले जा सकते हैं। और इधर कुछ इनके सीजनल प्लांट भी आपको देखने को मिल जाएगा इनके पास। और देखिए ये केला का पेड़ है, जो कि आप 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। तो थर्सडे को इस लोग इसमें पूजा भी करते हैं, सूप प्लांट मानते हैं। एक और सूप प्लांट है, देखिए ये है बेलपत्र, बेलपत्र भी आजकल लोग लगाते हैं, इससे भी शुभ मानते हैं। तो आप इसे यहाँ से 30 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। पारिजात है, पारिजात को भी शुभ प्लांट मानते हैं, और ये मात्र आप यहाँ से 30 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। और इन्हीं के यहाँ ऐसे छोटे छोटे प्लांट देसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत दिनों से इनके यहाँ तोड़ फोड़ चल रहा था, तो अभी ये कुछ प्लांट ये अपनी दूसरी नर्सरी से लेके आए हुए हैं। चमेली है, चमेली वाइट वाली चमेली है, और ये आप यहाँ से 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। देख ही सकते हैं ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो पहले तो ये अपने से ही कटिंग से लगाते थे, तो इनके यहाँ के प्लांट बहुत सस्ते होते थे, अब उतनी ज़्यादा वेराइटी नहीं है, लेकिन हाँ परमानेंट प्लांट की इनके कहा जाए तो अच्छा कलेक्शन है, और दाम भी बहुत सस्ता है। मिर्ची हैबिस्कस आपको मिल जाएगा, कुछ वाइट, कुछ पिंक, कुछ रेड कलर के देसी हैबिस्कस मिल जाएंगे, जो कि 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। कलर अभी पता नहीं चलेगा। तो देखिए इनके भी जो देखिए कितनी मोटी मोटी इनके ब्रांचेज हैं, तो बहुत जल्दी ये ग्रोथ में पकड़ लेंगे, क्योंकि सीजन ही ऐसा चल रहा है अभी। इस टाइम परमानेंट प्लांट में अच्छे फुटाव आते हैं और अच्छी ग्रोथ आते हैं। तो इनके पास हैबिस्कस, देसी हैबिस्कस भी आपको
अच्छे ग्रोथ वाले, अच्छे मोटे ब्रांचेज वाले मिल जाएंगे, जो कि लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रात की रानी मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ से 30 रुपीज में ले जा सकते हैं। रात रात में ही इनमें अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी इसमें खुशबू वाला ये फूल है, और जो फूल खिलता है रात में खिलता है और रात में ही इसमें खुशबू आती है, तो इसलिए ये रात की रानी आप यहाँ से 30 रुपीज में ले जा सकते हैं। तो देख ही सकते हैं, बहुत कहा जाए तो समर का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, मनी प्लांट का ही बहुत ही सुंदर कलेक्शन है और सस्ता भी है। और इनके सबसे बड़ी बात, ये नॉर्मल गार्डन साइड में लगे हुए हैं, ये हमारे गार्डन में आके बहुत अच्छी तरह से लग जाते हैं। और इनके यहाँ का जो प्लांट का मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। और देखिए इधर ये जो ब्लैक धतूरा मैंने दिखाया था, जो कि शिव जी को बहुत प्यारा है, बहुत शुभ प्लांट मानते हैं, आप यहाँ से 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। तो इनके आप बहुत सारा ये ब्लैक धतूरा है, आप ब्लैक धतूरा आपको किसी नर्सरी में नहीं मिलेगा, बस इन्हीं के यहाँ ब्लैक धतूरा मिलेगा। और ये काफ़ी शुभ मानते हैं, शिव जी का बहुत ये प्यारा प्लांट है, इसके फूल भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर्पल कलर के फूल आते हैं। तो आप यहाँ से ब्लैक धतूरा भी ले जा सकते हैं। और ये बहुत सारे प्लांट हैं, क्योंकि आप अंदर जाइएगा तो दिखने को आपको बहुत मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ गंधोराज है, गार्डेनिया जिसे बोलते हैं, इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा हुआ है। तो आप इनके हस्बैंड नहीं थे, जो लेडीज़ थी वही दाम बता रही थी, आप उनसे दाम पूछ लीजिएगा। और इधर कुछ इनके पाम की वेराइटी भी है, और अंदर जाने पर बहुत चीज़ दिखने को आपको मिलेगा। और एक जगह इन्होंने टोपो के कारण लगा रखा है, मोरपंखी है, मोरपंखी भी ले जा सकते हैं। आप दाम उनसे पूछ लीजिएगा, जितना हो सके मैंने उनसे दाम पूछ के बताने की कोशिश की है। जामुन का पेड़ है, देखिए कितना बड़ा जामुन का पेड़ है। और इधर तो इनके सारे ये वही हैं, और कुछ इन्होंने समर के सीजनल प्लांट जो सीडलिंग होता है वो लगा रखे हैं। तो कौन कौन से वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। विनका है, विनका ये आप यहाँ से इनके यहाँ 20 रुपीज़ में है विनका है। कुछ मैरी गोल्ड है, और कुछ इनके यहाँ मॉस रोज के प्लांट आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे इन्होंने 2-4 प्लांट जो समर के हैं वो लगा रखे हैं। कलर तो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जो ये मॉस रोज है, हाइब्रिड वाला मॉस रोज है, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अभी ये लगा ही रहे हैं, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं समर के जो जो प्लांट है। और कहा जाए तो जितने भी हैं समर के ही हैं, बहुत खूबसूरत ये सारे प्लांट हैं। तो मैं देख रही थी इन्होंने और भी कुछ कुछ, देखिए छोटे छोटे ऐसे देसी प्लांट इन्हीं के यहाँ देखने को मिलते हैं, और ये खुद ग्रो करते हैं कटिंग से। तो बहुत सारा इनका नुकसान हुआ है, बहुत हर बार कुछ ना कुछ इधर चलते ही रहता है। और ये शायद 30 रुपीज़ में प्लांट है ये, और इसमें 2-3 कलर है, जैसा कि मैंने बोला पिंक है, वाइट है और रेड कलर, आपको देसी वाले फूल मिल जाएंगे। और घना प्लांट है, प्लांट की हाइट तो ज़्यादा नहीं है, देखिए कुछ इनके विंटर के भी प्लांट रखे हुए हैं। तो इनके यहाँ बहुत पहले अच्छा कलेक्शन रहता था, तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम उनके यहाँ क्या प्लांट है शर्मा नर्सरी के यहाँ शेयर कीजिएगा। और भी इनके यहाँ परमानेंट प्लांट है, जैसे चांदनी हुआ, वेरीगेटेड चांदनी हुआ, देसी चांदनी हुआ, आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ अंदर जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे आपको परमानेंट प्लांट के कलेक्शन मिल जाएंगे, और ये लोग कुछ कम दाम में भी करके दे देंगे। और इनके यहाँ से गार्डेनिया ज़रूर ले जाइएगा, गंधराज, जो कि बहुत हेल्दी प्लांट है, नॉर्मल गार्डन में लगा हुआ। वैसे तो ये ज़्यादातर गार्डेनिया रेड सॉइल में आता है, जो कि लगने में बहुत मुश्किल होता है। और भी इनके यहाँ से आक ले जा सकते हैं, आक का पेड़, अकवन जिसे बोलते हैं, वो बहुत शुभ मानते हैं। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैम शुभ प्लांट शेयर कीजिएगा कहाँ मिलेगा, तो बस आप शर्मा नर्सरी में आ जाइए, वहाँ आपको परमानेंट समर के बहुत बेस्ट परमानेंट प्लांट और आपको लकी प्लांट यानी शुभ प्लांट मिल जाएंगे। तो जैसे कि बेल का प्लांट हुआ, और इनके यहाँ से आप पारिजात भी ले जा सकते हैं, शुभ प्लांट है। आग का पेड़ तो ज़रूर ले जाइएगा, ब्लैक वाला जो ये आग ये धतूरा है आपको कहीं नहीं मिलेगा। और देखिए फूल भी कितना सुंदर लग रहा है, बहुत शुभ मानते हैं। और काला धतूरा तो बहुत शुभ मानते हैं, 50 रुपीज़ में यहाँ आपको प्लांट मिल जाएगा। बैजंती के प्लांट भी इनके यहाँ इक्का दुक्का है, तो देख लीजिएगा, अगर होगा तो ले जाइएगा, नहीं तो बैजंती का प्लांट पूछ लीजिएगा है कि नहीं। तो बैजंती के माला जो भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है, वो भी बहुत शुभ मानते हैं, तो वो भी ले जा सकते हैं।
तो बहुत शुभ प्लांट का कलेक्शन इनके पास है, आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। ये पुस्ता रोड वाली साइड में है और एड्रेस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, फ़ोन नंबर दे दूँगी। और ये मोनिका नर्सरी और अमित नर्सरी के जस्ट बगल में है और मयूर विहार फेजवन मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 2 से ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, यानी आपको पैदल जाने में मात्र 10 मिनट से कम ही लगेगा। फ़ोन नंबर तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप बात कर लीजिएगा। तो सूप प्लांट तो इनके यहाँ पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, जैसे केला हुआ, धतूरा हुआ, आँख हुआ और बेल का पत्र हुआ, पारिजात हुआ, ये सब बहुत शुभ प्लांट है। तुलसी हुआ, समी हुआ, समी भी इनके पास आपको मिल जाएगा, समी भी ये रखे हुए, तुलसी इनके पास नहीं है। तो ये जितने भी प्लांट हैं हमारे घर के पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं, वैसे भी प्लांट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इन प्लांटों को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें और इस नर्सरी में आप ज़रूर विजिट करें, बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी प्लांट आपको यहाँ मिल जाएगा। और भी आप अंदर ढूंढिएगा तो बहुत सारे प्लांट आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो कहा जाए तो समर का बहुत खूबसूरत और हेल्दी कलेक्शन है।